हेलो दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करेंगे एमआर रेडमी 9 प्राइम में जो कि लॉन्च हो चुका है इंडिया में और ओप्पो A5 2020 में। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्ले से। तो एमआई की डिस्प्ले है 6.53 इंच की, रेजोल्यूशन है 1080x2340 पिक्सल और इसमें आईपीएस सेंसर डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। और ओप्पो की डिस्प्ले है 6.5 इंच की, रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल और उसमें आईपीएस सेंसर डिस्प्ले का यूज़ किया गया है। डिस्प्ले के मामले में एमआई आगे है क्योंकि इसका रेजोल्यूशन फुल एचडी में दिया गया है। बात करते हैं प्रोसेसर की। तो एमआई का है मीडियाटेक का G80 का, जो आपको रियलमी नार्जो 10 में देखने को मिला था। और सीपीयू है 2.0 की गहर ऑक्टाकोर का और उसमें 12 नैनोमीटर्स का फिनफेट और उसका जीपीयू है G52 है MC2 का। और ओप्पो का जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन का है 665 का, सीपीयू है 2.0 की गहर ऑक्टाकोर का और उसमें 11 नैनोमीटर्स का फिनफेट और उसका जीपीयू है 610 का। दोनों के प्रोसेसर भी ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एमआई का एंड्रॉयड 10 और ओप्पो का है एंड्रॉयड 9। बात करते हैं बैक कैमरा की। तो एमआई का जो बैक कैमरा है वो क्वाड में है 13+8+5+2 मेगापिक्सल का और ओप्पो का जो बैक कैमरा है वो भी क्वाड में है 12+8+2+2 मेगापिक्सल का। बैक कैमरा में ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, दोनों का सेम है 8 मेगापिक्सल का। बात करते हैं बैटरी की। तो एम आई में बैटरी दी गई है 5020 mAh की, ओप्पो में है 5000 mAh की और दोनों फ़ोन में बैटरी स्नोरेबल है। आप दोनों की बैटरी को निकाल सकते हैं, दोनों की बैटरी में भी ज़्यादा फर्क नहीं है। बात करते हैं चार्जर की। तो एम आई में 18 वाट का और टाइप्स का सपोर्ट है और ओप्पो में 10 वाट का और माइक्रो यूएसबी का सपोर्ट दिया गया है और चार्जर के मामले में एम आई आगे हैं। बात करते हैं सिम की। तो आप दोनों फ़ोन में 2 सिम और 7 mAh का डाल सकते हो। ट्रिपल सिम का ऑप्शन दिया गया है। कनेक्टिविटी दोनों 3G 4G की है और वारंटी सिम 1 साल की। फिंगरप्रिंट सेंसर फेसियल दोनों फोन में दिया गया है। बात करते हैं ग्लास के, दोनों में सेम है, गोरिल्ला का 3 प्रोडक्ट से बना हुआ है। फ्रंट में ग्लास है, बैक साइड प्लास्टिक है और फ्रेम भी प्लास्टिक का दिया गया है। बात करते हैं कलर की। तो एम आई में है ब्लैक, ग्रीन और ब्लू और वेट 198 ग्राम और ओप्पो में है ब्लैक और वाइट और वेट 195 ग्राम। बात करते हैं रैम की। तो एम आई में रैम के एक ऑप्शन है 4GB का और ओप्पो में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 3GB और 4GB का। बात करते हैं मेमोरी की। तो एम आई में 64GB 128GB का और ओप्पो में है 64GB की ओनली। बात करते हैं प्राइस की। तो एम आई का प्राइस है 4GB 64GB का 9999 रुपये और 4GB 128GB का प्राइस है 11999 रुपये। और ओप्पो का जो प्राइस है 3GB 32GB का 12999 रुपये और 4GB 64GB का प्राइस है 13999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फोन से कौन सा फोन पसंद है कमेंट में जरूर बताना। अगर आप दोनों फोन से कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो आप एमआई के साथ जा सकते हो क्योंकि इसमें आपको रेजोल्यूशन भी फुल एचडी में दिया गया है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है और कैमरा भी न्यू है। तो बाकी आप डिसाइड कर सकते हो कौन सा फोन पसंद आता है। और दोनों फोन से फोन लेने से पहले एक बार आप प्राइस जरूर देख लें, प्राइस के